उठ जा पुप्पो। अजय बाजी और भाभी दोनों मिलकर सैंडविच बना रही हैं। क्या बना रही फरीन आज? क्या वो कर ले, जो भाग दौड़ी का होता नहीं बहुत होता फरीन, वो तू कर ले, इसे ही करने बिठाते। परा उठ उठ सोनिया जी, और परा उठ जा पुप्पो। यहाँ पे नाजी बाजी और भाभी दोनों मिलकर सैंडविच बना रही हैं। सैंडविच की प्रिपरेशन हो रही है यहाँ पे। जल्दी जल्दी से खाना चाहे वैसे खा सकता है, जो हल्के ऐसे खाना चाहता है वैसे खा सकता है। वो टेस्टी लग रहे हैं, देखने में तो टेस्टी थे ही थे, पर जब मैंने खाए तो उससे ज़्यादा टेस्टी थे। सच में मैंने इतने ज़्यादा खा लिए थे सैंडविच, क्योंकि मेरी फरमाइश पे बने थे। मैंने नाजिया जी से बोला था कि मेरा सैंडविच खाने का बहुत ज़्यादा मन है, तो इसलिए उन्होंने सहरी में बनाए थे और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। अरे यहाँ पे काम बढ़ाती हुई, ये रात से जग रही है, ज़रा सा भी नहीं सोई। पापा ने नमाज पढ़ना है। दुआ जाओ, मम्मा बुला रही हैं। दुआ दुआ जाओ, मम्मा बुला रही हैं। ओए जाओ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ मी फरहा चौधरी एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो भाई आज का दिन शुरू करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज है हमारा 7वां रोज़ा और 6 रोज़े अल्लाह के शुक्र से बहुत ज़्यादा अच्छे गए हैं। आप लोग ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं, मेरे तो बहुत अच्छे गए। और बढ़ते हैं आगे, पूरा दिन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि क्या क्या करने वाली हूँ और आज घर में क्या क्या बनने वाला है। तो चलते हैं जल्दी से किचन में। पर उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जाओ जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अब चलते हैं अंदर और अंदर जाके मिलते हैं। क्या बना रही फरीन आज? क्या क्या खाए तुमने? पता नहीं, अरे बता। अरे ये बोल तेज बोल, मुझे खुद नहीं पता, मैंने तो रेसिपी देखी थी, उसमें नाम लिखा ही नहीं था। अल्लाह तौबा, पता नहीं क्या खिलाने वाली है, क्या क्या डाला है। पोटैटो है, बॉयल पोटैटो, और कोरिएंडर जो होते हैं, बहुत सी होती है कोरिएंडर, धनिया जो होता है उसको मैंने उसमें मिक्सर में कर लिया। हिंदी में बोल। लाल मिर्च, हाँ, और नमक, अब देन गरम मसाला, हाँ, ओके, चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स का हिंदी में बोल। मिर्च पीसी हुई, कुटी हल्का सा, और बहुत ज़्यादा हल्का सा। अब इसको मिक्स कर रही है। पहले चिकन बॉईल करके ना अदरक लहसुन डाल के उसमें हल्का सा सॉल्ट डाल के चिकन को बॉईल कर लो। तो हमारे तो चिकन आता है क्योंकि सोनल आता है बोनलेस चिकन, और चिकन नहीं होता केमा ही होता है चिकन, लेकिन मुझे इस बार इसमें करना पड़ेगा मिक्सी पता लगा। और यहाँ सोनिया जी फेंट रही हैं अंडा और फरीन इसमें कट कर रही है हरा धनिया। फिर इसके वो बनाएंगे, छोटे छोटे से नगेट्स होते हैं वो बनेंगे। अच्छा। बनाते हुए दिखाएंगे। ठीक है, हमारी छोटी शेफ। दुआ हटो, दुआ हटो, दुआ अपने सारे में गंदी कर दी, अब साफ करो इसे। टिपाली लग लिए दुआ। दुआ, और ये वही है जो फरीन ने ब्रेड का बनाया था, जो मैंने पहले व्लॉग में ही बताया था। क्या होता है? पता क्या होता है? मुझे नहीं पता क्या होता है। ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स, ठीक है। अब फरीन ने सारा चिकन वगैरह इसमें कर दिया था, अब इसको मिक्स कर रही है। तो ये हाथ से ही करना है, ये चम्मच वगैरह से नहीं होगा अच्छे से, तो आप लोग भी उससे करना, हाथ से, ठीक है। जैसे ये कर रही है, क्या क्या है इसमें मुझे नहीं पता क्या क्या है, तू बता दे। चिकन, हाँ, पोटैटो, हाँ, और हरा धनिया, हरी मिर्च। खुद कोई नहीं पता, खुद बना रही हो से ये भी नहीं पता ये बना क्या रही है। अरे वो है ये चिकन पोटैटो नगेट्स। अच्छा, मैं तो देखती आ रही थी रेसिपी, इसको देख कर ट्राई करा। तो ऐसे ही होता है रमजान में, बताना किस किस के घर ऐसा होता है, कोई रेसिपी देखते हैं फिर बनाने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ दे रही हूँ फरीन को नमक, आपको तो देना ही नहीं आता नमक। किस किस, तू अपने तो दो
लेकर जो बोला ना वो कर ले। प्लेट लेकर आए, चल जा जल्दी। ज्यादा काम होता है ये जो भाग दौड़ी का होता है ना, बहुत होता है। फरी वो तू कर ले, इसे ही करने बिठाते। कम होता है, कम होता। तो जा। अब हुआ ना मोए मोए। दुआ ने कल रात मुझे इतना परेशान करा है, पहले 2:30 बजे तक यहाँ बैठा के रखा। अच्छा। कि पुप्पो नहीं अंदर मत जाओ, मैं तो ठीक है। और फिर जब मैं 2:30 बजे जाके लेती हूँ तो फिर आ गई मेरे पास फोन लेके, पुप्पो फोन फोन। और फिर बीच बीच में पुप्पो सीधा कर दो फोन, सीधा कर दो। तो इसमें बेचारी की गलती नहीं है, उसे पता है फोन में तो ही लगती है पूरे घर में। ऐसा कुछ नहीं, सब लगते हैं फोन में, कोई अनोखी नहीं लगती। वो तो ठीक है, सहरी के बाद जब सोई हो 8:30 बजे फिर आ गई। सपने में देख लिया था इसे शायद कुछ, तो आ गई रही फुप्पो फुप्पो। आपने अभी मैं एक बात बोलूंगी, देखना फरा का रिएक्शन। इसने पता तेरा इंतकाल देख लिया होगा। सो मैं पीसने लगी हूँ अब चटनी। तो मैंने चटनी का सारा सामान निकाल लिया, ये रहा हरा धनिया, हरी मिर्च और पतली वाली हरी मिर्च भी, क्योंकि इसमें मिर्चें नहीं होती, थोड़ा सा ये तीखापन आ जाएगा इससे। और पुदीना और अचार भी डालूंगी मैं चटनी में। बाकी जब मैं पीसूंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने सर की, तो सबसे पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं। और फरहीन ने भी यहाँ बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो जब फरहीन फ्राई करेगी, जो उसने बनाया मुझे तो नाम भी याद नहीं रहता, तो वो लोग आप तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलो चलते हैं जल्दी से नमाज़ पढ़ लेते हैं। उठा उठा के थोड़े से उसमें फ्राई कर रही हूँ, फ्राई कर रही है ये नॉन स्टिक फ्राई पैन है, इसमें ये चिपके नहीं, चिपके नहीं भी नहीं। और माशाल्लाह ये आवाज़ पता नहीं आएगी या नहीं आएगी। माशाल्लाह देखो कितने अच्छे से हो गए हमारे, पकौड़ी तो बहुत ज़रूरी है। थोड़े इधर फ्राई हो रहे हैं डीप फ्राई, उधर मैं थोड़ा सा फ्राई पैन में हाई फ्राई कर रही हूँ इस तरह से। मुझे ये वाले ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, ये थोड़े जल्दी भी हो रहे हैं तो थोड़ा टाइम ले रहे हैं। देखते हैं कुछ इस तरह से बन के रेडी हो रहे हैं। इधर चटनी बना रही है, सारे काम लेट होते हैं हमारे घर में। और ये बनकर रेडी हो गए थे, कुछ इस तरह लग रहे थे। और साइड में मैं चटनी पीस रही थी, क्योंकि ये रमज़ान में ग्रीन चटनी मैं ही पीसती हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कैसे बनाती हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं नेक्स्ट टाइम पूरी रेसिपी शेयर करूँगी। और फिर उसके बाद मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो मैं डॉक्टर के चली गई थी। डॉक्टर के से नाज़िया जी और मैं दवाई लेके आए। गाइस नाज़िया जी और मैं बाहर आए थे दवाई लेने के लिए, क्योंकि मेरी भी तबीयत ख़राब है और नाज़ियाबाजी की। और आप लोग देख सकते हो कि हमारी गली कितनी प्यारी लग रही है, मेरी तरह नाज़िया की तरह। ये देखो बीच में रमज़ान मुबारक का भी लगा रखा है। जब दवाई लेकर आ गई थी तो फिर मैंने खाना खाया, ये कबाब बने थे उसने, कुछ छोले थे, तो फिर मैंने आराम से बैठ के खाना खाया और फिर अपनी दवाई खाई। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।